इन लोगों को नहीं पता कि अब चंद सेकंड में मौत इनके सामने होगी। इनको नहीं पता कि काल इनका इंतजार कर रहा है। यह तस्वीर राजधानी पटना मतलब बिहार की राजधानी की है। देखिए कैसे चार लोग एक साथ जा रहे हैं, तभी अचानक आगे खड़ा शख्स अपने पीछे चल रहे युवती को गोली मारता है और फिर पास खड़ी एक महिला पर फायर करता है और खुद को भी गोली मार लेता है। दरअसल पटना के अनिसाबाद पुलिस कॉलोनी में एक रिटायर्ड आईजी के मकान में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वारदात के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि गर्दनीबाग के पुलिस कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की है। इसके बाद हत्यारे ने खुद भी अपनी जान दे दी। हत्या के बारे में जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक गर्दनीबाग के पुलिस कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की, उसके बाद हत्यारे ने खुद भी अपनी जान दे दी। यह वारदात एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के मकान में हुई है। रिटायर्ड आईजी के मकान में यह परिवार पिछले 6 साल से किराए पर रह रहा था। तो आज ये लोग बेगूसराय से आ रहे थे, बेटी और उनकी माँ और दादी तीनों लोग आ रहे थे। इसी क्रम में इनका पीछा कर रहा था, इसी में इसने अपनी बेटी को और पत्नी को गोली मार दिया, फिर खुद भी इसने अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। जिस शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की उसका नाम राजीव है। वही घटना को लेकर पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि वारदात सड़क पर हुई, जिसकी तस्दीक CCTV कैमरे से हो रही है। बताया जा रहा है कि राजीव की पत्नी सचिवालय में काम करती थी। वहीं पुलिस मामले के एक एक पहलू की जांच कर रही है। न्यूज़ लाइव डेस्क पटना।